और दोस्तों आज जो हम न्यूज़ लेकर आए हैं वो है गोविंदा के फैंस के लिए। दोस्तों इस न्यूज़ को बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था जैसे कि हम लोग अभी एक गोविंदा पर एक वीडियो सॉन्ग जो है वो शूट कर रहे हैं, और उसमें जो भी गोविंदा के फैंस एक्ट करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसमें अपनी वीडियो शूट कर खाली और जो शब्द मैं बोलूँगा उसे बोलकर वहाँ पर हमें व्हाट्सएप मतलब उसमें भेजेंगे वो टेलीग्राम पर, और हम सेलेक्ट कर करके सभी को मौका देंगे, चाहे कोई अच्छा हो चाहे ख़राब हो, मुझसे अपनी तरफ से एडिट करके ठीक कर लेंगे उसको, ठीक है, सबको मौका देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, और दोस्तों उस वीडियो को आप जो है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, इससे पहली वीडियो जो डाली है मैंने गोविंदा के लिए, चाहे इसको भी शेयर करना क्योंकि इसमें मैंने बताया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गोविंदा की वीडियो में एक्टिंग कर सकें, ठीक है, उस वीडियो सॉन्ग में जो हम बना रहे हैं। अब बात करते हैं सर बिग बॉस की, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों भी ये खबर आई थी कि गोविंदा जो है बिग बॉस के अंदर एंट्री कर सकते हैं, उनको मतलब प्रपोजल मिला है, एंट्री करें ना करें वो उनके अपने ऊपर है, वो एक अलग चीज़ है, ये ऐसी एक न्यूज़ है। अब दोस्तों उसमें जो लोग हैं सबकी अपनी अलग अलग राय है, लोग कह रहे हैं कि अगर उन्हें होस्ट करने का मौका मिलता है तो वो होस्ट ज़रूर करें, लेकिन अगर एज ए सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट वो जाते हैं तो उन्हें ना जाएं क्योंकि वो उनके हिसाब से बहुत छोटा है। लेकिन दोस्तों तीसरी चीज़ एक ये भी आई है, जैसा आपको पता होगा बिग बॉस का इस बार का फॉर्मेट ये है कि इस बार कोई भी कॉमनर बिग बॉस के अंदर नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी के सभी सेलिब्रिटी होंगे, जैसे कि पहले 5 सीज़न में होता था, बीच में 2-3 सीज़न 4 सीज़न ऐसे रहे जिसमें कॉमनर्स को भी बुलाया गया था, लेकिन